दोस्तों इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई ब्राउजर ओपन करते हैं या तो इवन यूट्यूब का ओपन करते हैं तो हमें वहां पे इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन मिलता है। तो इनकॉग्निटो मोड को बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है यहाँ पे कि एक्चुअली बहुत सारे लोग जानते नहीं इनकॉग्निटो मोड होता क्या है। तो कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में, तो वहीं कुछ लोग इसे वीपीएन की तरह ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि जब हम इनकॉग्निटो मोड के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं या वीडियोस वगैरह देखते हैं तो कोई भी हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा हम क्या कर रहे हैं उस ब्राउजर के अंदर। लेकिन यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड का मकसद कुछ और है या करता कुछ और है? तो क्या कुछ है इनकॉग्निटो मोड, कैसे इसको यूज करना है, क्या कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, चल जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इनकॉग्निटो मोड जैसे किसी भी ब्राउजर में या तो फिर किसी यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो इनकॉग्निटो मोड का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी आप कुछ ब्राउज करते हैं, जो भी कुछ वीडियोस वगैरह देखेंगे अगर यूट्यूब पे, तो इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाकर अगर आप देखते हो तो आपका जो भी हिस्ट्री होता है वो वहां पे स्टोर नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हो कि ब्राउजर में अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे सर्च हिस्ट्री आ जाता है, जो भी आपने सर्च किया आप बाद में देखेंगे तो वहां पे आपको बताएगा कि ये आपने पीछे सर्च किया था। उसके अलावा जो भी आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो उसका एक कुकीज होता है, वहां पे कुछ डेटा स्टोर होता है। तो बाद में आप अपने हिस्ट्री में जाते हैं ब्राउजर में या इवन यूट्यूब में भी, तो आप देखेंगे वहां पे हिस्ट्री आपको देखते हो तो हिस्ट्री के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, कहां कहां आप गए थे, कौन से वेबसाइट को आपने विजिट किया था। तो यहां पे अगर हम किसी दूसरे के कंप्यूटर या किसी दूसरे के फोन को यूज कर रहे हैं तो अगर हम जो भी सर्च कर रहे हैं या तो फिर किसी भी तरह का हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम जो भी सर्च कर रहे हैं वो जिसके कंप्यूटर में हमने सर्च किया है उसको ना पता चले, इसलिए बनाया गया है इनकॉग्निटो मोड। मतलब इसका सिर्फ इतना ही मकसद है कि जैसे कि कोई गेस्ट आया है या तो फिर कोई दूसरा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए अभी उसके रिलेटेड कॉन्टेंट ना दिखाया जाए। इनकॉग्निटो मोड का मकसद सिर्फ इतना है। मतलब इनकॉग्निटो मोड के अंदर जो भी आप सर्च करते हो, जो भी आप कुछ एक्टिविटी करते हो, वो सब कुछ आपके जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, बहुत ही आसानी से देख सकता है, कोई आपको जान सकता है कि आपने कहां कहां विजिट किया, बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन जो भी आपका हिस्ट्री है, जो भी आपने सर्च किया, बस वो वहां पे स्टोर नहीं होता है। इतना ही काम है इनकॉग्निटो मोड का। बहुत सारे लोग इसे सोचते हैं कि यार VPN है, हम इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके कुछ भी करते हैं तो कोई हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे VPN अलग चीज है, इनकॉग्निटो मोड अलग चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। VPN के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, आप चाहे चेकआउट कर सकते हैं VPN क्या है, VPN का आप यूज करते हो तो VPN के अंदर क्या होता है कि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर कोई भी किसी को भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कुछ कर रहे हो, वो बिल्कुल ट्रैक नहीं किया जा पाता है। तो VPN के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप चेकआउट कर ही सकते हैं चाहे इतने जाकर। और VPN अगर आप यूज करना चाहते तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, कुछ फ्री VPN मिलते हैं, कुछ पेड VPN मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसा VPN आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप VPN यूज करना चाहते हैं तो कोई पेड VPN ले लें, क्योंकि फ्री वाले आपके डेटा को यहां से वहां करने में लगे रहते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप फ्री VPN यूज करते हो तो आप ओपेरा ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, चाहे आप PC में यूज कर रहे हो या तो फिर फोन में। ओपेरा ब्राउजर के अंदर आपको एक इनबिल्ट VPN मिलता है और ओपेरा ब्राउजर एक बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप फ्री VPN यूज करना चाहे तो ओपेरा ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ओपेरा ब्राउजर में VPN कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे करना है, अगर आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा कमेंट आता है तो इसके लिए भी एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा। तो बस ये था वीडियो में, होप कि आपको वीडियो पसंद आया हुआ। वीडियो से लाइक करिएगा, चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।